स्वागत है आपका रूबरू। मैं आपके साथ, मैं हूँ नगमा खान। मैं यहाँ पर अभी मीरा भाईंदर में कुल 11 लाइब्रेरी है और उनमें से मैं एक जो पूनम गार्डन की जो लाइब्रेरी है स्वामी विवेकानंद भवन के नाम से है वहाँ पर खड़ी हूँ। और इस जो ये एरिया है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है जहाँ पर वो आकर सुकून से 2 या 4 घंटे आकर पढ़ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर मुंबई में मीरा भाईंदर में फ्लैट सिस्टम चलता है, वहाँ पर लोग इतना अपने घर में छोटे घर होते हैं जिस वजह से वो इस तरह से एक माहौल नहीं बन पाता है पढ़ाई का। और सीनियर सिटीजन को तो ज़्यादा देर वो घर में रह भी नहीं सकते, उनको लगता है कि कभी वो बाहर जाएं तो अगर उनका मन है तो इस एरिए में अगर वो रहते हैं पूनम गार्डन में तो वो आ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ का वक्त है जो 8 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक वो आकर अपने पढ़ाई से जुड़ा या आराम से वो बैठ के अपने लिए न्यूज़पेपर है कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरी का ग्राउंड फ्लोर है जो बुज़ुर्गों के लिए है। यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ वो कैरम जैसे खेल भी खेल सकते हैं। और ये है लड़कियों के लिए फर्स्ट फ्लोर पर रूम जो कि थोड़ा छोटा है। और उसके बाद ये है, देखिए, ये लड़कों के लिए रूम है जहाँ पर वह पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एसी वगैरह ख़राब है और साफ़ सफाई भी नहीं है पूरी लाइब्रेरी में। आइए हम आपको मिलाते हैं जो लाइब्रेरी के कर्ता धरता है परनीवेल गोविंद जी हैं, उनसे बात कराते हैं और जानते हैं कि लाइब्रेरी के को कैसे वो मैनेज कर रहे हैं और क्या हालात है यहाँ के। स्वागत है आपका परनीवेल जी। हाँ बोलिए। मैं ये जानना चाह रही आपसे कि जो यहाँ नीचे सीनियर सिटीजन है और ऊपर बच्चे लोग पढ़ने आते हैं तो इसका कितना एक साल में कितना पैसा लगता है? 125 रुपये मैडम। बच्चों का और सीनियर सिटीजन लॉकर लेगा तो नहीं, सीनियर सिटीजन को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सीनियर सिटीजन फ्री में और लॉकर लेगा 185 होता है। हाँ, और लॉकर लेगा तो 185 रुपया 185 रुपीज़ है। मैं ये जानना चाह रही आपसे कि जो ये आप कितने साल से लाइब्रेरी है और आप कब से यहाँ पर है इसके देख रेख कर रहे हैं? ये मैडम 3 साल से लाइब्रेरी है और मैं 1.5 साल से काम करता हूँ। अच्छा, और आपके अलावा और कौन यहाँ पर आता है देखने के लिए? जैसे एसी वगैरह हमने देखा ख़राब है वो सब, अभी इधर की कंडीशन अच्छी नहीं लग रही ऊपर की जो भी है, तो कितना मतलब कौन आ रहा है देखने? आपने बोला किसी को कि इधर पे कंप्लेन दी है कि इधर देखा जाए लाइब्रेरी को? लोरेटा मैडम को देते हैं। लोरेटा मैडम, तो अभी उन्होंने क्या उधर से फीडबैक क्या मिला, क्या बोला उन्होंने? कभी कभी आते हैं मैडम, नहीं तो नहीं आते। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मीरा भाईंदर में लाइब्रेरी की हालत आपको हमने दिखा दी है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर लाइब्रेरी है, और दूसरा ये कि उनकी हालत खस्ता हो रही है, एसी वगैरह सब ख़राब है। हम नगर पालिका से यही हम बोलेंगे कि वो लाइब्रेरियों पर भी ध्यान दे ताकि जिन लोगों के लिए बनाई है वो इस्तेमाल उसका सही कर सके, और इस तरीके से चीज़ें अच्छी होंगी तो लोगों को भी अच्छा लगेगा और लोग यहाँ पर आके उसका सही उपयोग कर सकेंगे। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।